हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डिश के बारे में एक जानकारी लेंगे कि कैसे जो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है तो वैसे जो उड़ीसा में एक डिश बनाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि बड़ा, ठीक है, बड़ा नहीं है वो, बड़ा बोलते हैं, ठीक है। पीठा जैसे होता है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले ये पम्पकिन का फ्लावर पहले तोड़कर साफ साफ देखिए, ये देखिए मुरझा हो गया, क्योंकि मैं ये सुबह लाया था, मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ये मुरझा गया है। जो फ्लावर होता है ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही लाइए पहले। और इसको क्या कीजिए, ये जो ठीक है, इसको तोड़ दीजिए। ये जो होता है बाहर के, ये पम्पकिन का फ्लावर होता है, और इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इंसेक्ट कीड़ा जो होता है ना, कभी कभी हो जाता है, आंट होता है थोड़ा सा, और जो मधुमक्खी होता है कभी कभी यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। देखिए, ये देखिए फ्लावर, ये मुरझा नहीं हुआ है, लेकिन ये सुबह लाया था इसलिए थोड़ा सा ये मुरझा लाया है, ठीक है। इसको साफ कीजिए, और जो ये इसका जो स्टेम है, ठीक है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। और इसको जो स्टेम है इसको भी निकाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक के अंदर देखिए, मैंने इसको एक तैयार किया है, ठीक है। और जो इसके अंदर एक ऐसा का ऐसा होता है, ठीक है, इसके अंदर, इस फूल के अंदर देखिए मैंने निकाल दिया है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए इसमें है, देख पा रहे हैं, एक येलो कलर का स्टेम जैसा कुछ है, ठीक है, देखिए। और देखिए इसमें नहीं है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा नहीं सकता, ठीक है। देखिए इसमें नहीं है, मैं निकाल दिया हूँ। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे और ये भी एक लेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। ये तो फट चुका है, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, ये फटना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं उसका जो दूसरा पार्ट है मैं बताता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये जो बेसन होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नमक यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डालिए, ठीक है, ज़्यादा मत डालिए, ये फ्लावर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, नमक ज़्यादा हो सकता है। और जो ये जीरा होता है, ठीक है, मैं जीरा थोड़ा सा भी डाल रहा हूँ। और हल्दी, देखिए ये हल्दी मैं इतना ही डाल रहा हूँ, ठीक है, डाल लीजिए। और इसको थोड़ा सा पानी मिलाइए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मेरा मम्मी ऐसे ही करते थे, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आप पानी मत डालिए, जैसे ठीक होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल भी घुल जाना चाहिए, ठीक है, हाँ ऐसा ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें आप नमक डाल सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन नमक किसी को पता नहीं होता है, सॉरी मिर्ची का पाउडर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, मेरे पास है, अगर आपको मिर्ची अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो इसमें डाल नहीं सकते। देखिए थोड़ा सा, ये 2 पिंच होगा, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ।
और थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। देखिए ये मैं बेसन जो ले रहा हूँ ये 50 ग्राम होगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालिए और मिक्स, शायद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने पैन भी गरम कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा तेल जो सनफ्लावर का ऑयल डालिए, ठीक है, ज़्यादा मत डालिए, जितना हो सके आप कम से कम तेल में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देखिए मेरे फ्लावर मैंने ऐसे ही कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा धो दिया हूँ पानी में, सादा पानी में। और इंसेक्ट और कीड़ा होना जरूरी, आप चेक कर लीजिए, इंसेक्ट है पिंपी, जैसे कि हम बोलते हैं आंट होता है पिंप, हमारे उड़ीसा में पिंपड़ी बोलता है बोलते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके डाल लीजिए, घुमा लीजिए, इसको आप अंदर रखना चाहिए, ठीक है। देखिए ये थिकनेस हो गया, देखिए मैं फट चुका हूँ लेकिन आपको फटेगा नहीं, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें दाल डालना, एक या 2 मिनट में ये आपका डिश जो डिश है वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी आप, मैं जो करंट है वो चला गया है इसलिए आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हल्की देखिए धीमी आंच से, देखिए मैं जो गैस ऑन कर रहा हूँ वो सिर्फ धीमी आंच से ही इसको पकाइए, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 या 3 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हो चुका है, आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, बस थोड़ा सा उसको दबा दीजिए, ठीक है। आप अगर बेसन नहीं है आप चावल का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। चावल को जो पीस कर, देखिए मीन होना चाहिए, ग्राइंडिंग होना चाहिए चावल, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर उड़ीसा में चावल का इस्तेमाल होता है, बेसन का नहीं होता है, क्योंकि बेसन इस्तेमाल करने से अच्छा नहीं लगता उड़ीसा वालों को, ठीक है। लेकिन आपको, आपकी मर्जी, आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चावल को पीस कर आप, देखिए मेरा करंट ये देखिए थोड़ा सा पानी था इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही तेल हो रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो गैस, इसमें आप गैस बंद करके इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो आप निकाल कर ले सकते हैं। ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ये देखिए सबसे सस्ता तरीका और अच्छा लगेगा, आप अगर खाएंगे और फैमिली को खिलाइए, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप परोस देंगे डाइनिंग टेबल पर। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, 2 मिनट इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको गर्मा गर्म मत खाइए, थोड़ा सा हल्की ठंडी और गर्मा गर्म थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, उसके बाद आप खा लीजिए। आप बखार के साथ खा सकते हैं या आप गर्मा गर्म जो राइस होता है उसके साथ भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री होगी। देखिए इतना टेस्ट लगेगा ये आपको और हम ही को, देखिए सभी जो उड़ीसा का सभी स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ओनली उड़ीसा में आप ऐसा ही हर घर में आपको ऐसा ही डिश समर के सीजन में मिलेगा, महीने में 15 दिन, ठीक है। मैंने इसको 1 रुपया में देकर, मैंने मार्केट से परचेज करके लाया हूँ, 2 फूल का 1 रुपया, ठीक है।
मैंने मेरा 20 फूल लाया, 10 रुपया देकर, ठीक है। आप इसको ही परोस लीजिए खाने पर, और सीधा कुछ डालने की इसके नमक और मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, इसको सिर्फ खा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही कुछ मज़ेदार उड़ीसा का जो फेवरेट डिश है मैं बनाऊँगा और आपको सिखाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।